राजकीय इब्राहिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेल में प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते रोगियों की अनचाही भीड़ संक्रमण को प्रसाद के रूप में बांट रही है। वैक्सीनेशन 10 बजे तक शुरू होता है। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए जा रहे अध्यापक समय पर नहीं आने के कारण वैक्सीन लगने में देरी हो रही है। वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों का जमावड़ा हो जाता है। सेंटर के बाहर बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी सैनिटाइज नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर RT-PCR टेस्ट लैब की प्रक्रिया भी अव्यवस्था का शिकार हो रही है। 10 बजे से तो सभी रोगियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, फिर लाइन लगवाई जाती है, फिर शुरू होता है वैक्सीनेशन। पूरी समय संदेशपद रोगी घूमते रहते हैं। रोगों की मजबूरी यह है कि इस संक्रमण काल में आम आदमी की लापरवाही पर डंडे, पेनल्टी, चालान, जेल भुगतनी पड़ती है। लेकिन क्या हॉस्पिटल में चल रही अव्यवस्था पर कभी प्रशासन के नुमाइंदे ध्यान देते हैं? नहीं। व्यवस्थाओं को संक्रमित कर संक्रमण को सीधे सीधे फैलाने वाली इस व्यवस्थाओं पर प्रशासन मौन है। प्रशासन ने कभी अस्पताल की व्यवस्था को देखने की जरूरत नहीं की, और अगर प्रशासन अब जाएगा भी तो उन रोगियों को ही डंडे लगाएगा और प्रताड़ित करेगा।